हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वही शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस काफ़ी टाइम से दया भाभी का इस शो के अंदर वेट कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली सुंदरलाल ने आकर दया भाभी का एक लेटर दिया जिसमें कि एक बार फिर से पहले की तरह दया भाभी ने गोकुलधाम सोसाइटी में वापस लौटने की बात कही है। उन्होंने बोला है कि जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर उन्हें मिस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दया भाभी भी गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर और टप्पू, जेठालाल, इन चंपकलाल को भी काफी मिस कर रही हैं, और बहुत जल्दी वो गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ जाएंगी। लेकिन गाइस, लगता है कि इस बार तारक मेहता शो के फैंस को दया भाभी की ये बात कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई है, एंड इसीलिए सोशल मीडिया हैंडल पर तारक मेहता शो के कई फैंस ने दया भाभी को कई सारे कड़े और सख्त शब्द बोले। उन्होंने बोला है कि अगर आपको इस शो के अंदर वापस नहीं लौटना है तो बार बार हम सबके बीच में इस बात का जिक्र क्यों होता है कि आपकी एंट्री बहुत जल्दी शो में हो जाएगी, इससे अच्छा तो है कि आप कभी शो के अंदर वापसी ना करें। आप इस समय अगर शो के अंदर नहीं है तो शो की टीआरपी पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कई सारे फैंस ने ये बात भी बोली है कि हम दया भाभी की वापसी का वेट करेंगे, इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा और पेशेंस रखेंगे, आई होप उनकी वापसी शो के अंदर बहुत जल्दी हो जाए। वेल, इस दया भाभी तारक मेहता शो से करीब 2-3 साल से गायब है, हालांकि बीच बीच में उनकी एंट्री के कुछ सीन आए थे एंड शो में उनकी वापसी भी हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से उनकी शो के अंदर वापसी नहीं हो पाई।